हेलो दोस्तों, आपका स्टोरी व्लॉग्स के नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम व्लॉग बना रहे हैं नाइट में, एंड घर का माहौल आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मरियल कुलदीप जो है वो यहाँ है, सॉरी आदरणीय जो कुलदीप, देख लोमड़ी, अरे लोमड़ी इंट्रोडक्शन कराने दे। आदरणीय कुलदीप जो है दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ है और वो अपना कुछ यूट्यूब देख रहा है। और ये गप्पूड़ी क्या कर रही है लोमड़ी, तेरे शर्म नहीं आती रात में क्या कर रही तू, कूपन फाड़ रही है क्या, कौन बनेगा करोड़पति में जाएगी कूपन लेके, शर्म नहीं आती तेरे को, बोलू। और मम्मी जो है इधर बैठी है, अभी एक घंटा मम्मी बाहर घूम के आई है। मम्मी जो है वो बुआ से बात करती रहती है फोन पे और घूमती रहती है। टाइम आप देख सकते हो, अभी जो है नाइट की 10:30 बज रही है। आपको पता है अभी रक्षाबंधन आ रही है। दीदी खुद की राखी भेजी बचे थे थोड़ी काम करते हैं। ये देखो दोस्तों दीदी की राखी कैसे झपटा कर रहा है, मतलब दीदी की राखी इसी को चाहिए सबसे पहले कि अरे देंगे तेरे को राखी बांध देंगे चिंता मत कर। ये देखो लोमड़ी को देखो, दीदी की राखी इसी को चाहिए, इसकी दीदी भी ब्लॉग देखती है तो ये दिखाना चाहता है दीदी को। मेरी दीदी को मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं उनका चपचे छग्गा भाई हूँ। देख लोमड़ी को, आपको तो पता है दोस्तों मेरी दीदी जो है बेंगलोर में है और उनका किसी कारणवश के चलते इस बार राखी मनाने कोटा आना नहीं हो रहा है, काफी दूर का सफर है और वो काफी अपने शेड्यूल में बिजी है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए राखी भेजी है तीनों भाइयों के लिए, दपुड़ी कुलदीप एंड मी। हमको राखी कौन बांधेगा फिर, कौन बांधेगा हमको राखी, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ कल की ट्रेन पकड़ के, दीदी को डांटूंगा ऐसे किसी काम चलेगा, खुद ही राखी भेज दी बच। गपूड़ी दीदी ने राखी भेज दी, अपन भी गिफ्ट भेज देंगे, चिंता मत कर तू, ऑनलाइन काम चलेगा सारा। मैंने उनसे बात भी करी थी दोस्तों दीदी से, खूब उनका मन है आने का लेकिन आना नहीं हो पा रहा है। लोमड़ी बहुत एक्साइटेड है, ये देखिए राखी को देख रही है मेरी लोमड़ी, राखी देखी जा रही है तीनों भाइयों की। मेरी दीदी भी इस ब्लॉग को देखती है दोस्तों, वो भी खुश हो जाएगी कि राखी कैसी लगी, उसको भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा चुपका। तो यहाँ पर राखी खोलते हुए मम्मी, एंड देखते हैं राखी कैसी है। और ये खोली मम्मी तो राखी यार गई पूरी, राखी मुंडे में ले जाता हूँ पूरी, देखिए क्या क्या आया है इसमें। अरे वाह, ये देखो दोस्तों राखी आई रे राखी आई रे, ये राखियां देखो कितनी सारी आई है, कुंकू भी भेजा है, अच्छा चावल तिलक लगाने के लिए। राखी दीदी ने भेजी तेरे लिए राखी, आजा राखी राखी रक्षाबंधन आ गई क्या, पकड़ लो इसको, पकड़ लो लोमड़ी को, यही पकड़ लो इसको, पूरा ले लेके भाग रहा दोस्तों खोखे पूरे। पूरी राखियां मेरी है, मेरी दीदी ने भेजी है, किसी को नहीं दूंगा राखी, पसंद करो अपनी अपनी राखी लो। तो भाई देखिए पसंद करते हैं राखी, ये राखी पापा की लेगी, ये राखी आप रख लेना ब्रेसलेट टाइप लग रही है, और ये राखी हमारी गप्पूड़ी के लिए भेजी होगी। देखो गप्पूड़ी की राखी फाइनल हो गई दोस्तों, ले राखी तेरी, ये देखो राखी मुंडे में ले जाता है भाग के, राखी गप्पूड़ी की राखी। बेटो अभी नहीं बांधेंगे, राखी पे बांधेंगे, राखी का सीजन आने दे, इतना एक्साइटेड मत हो राखी पहनने के लिए। कुलदीप ने भाई फाइनल कर ली राखी, और मेरी कौन सी बच रही जो मेरी पापा जो है ये भी अपनी राखी पसंद कर रहे हैं। आप कौन सी लोगे पापा राखी, ये पापा देखो पापा कुलदीप की राखी पसंद कर रहे हैं। मेरी है वो राखी, पापा की भी नहीं है, कुलदीप की भी नहीं है, राखी मुझको चाहिए। एक राखी के लिए तीन, पापा कुलदीप एंड गप्पूड़ी। गिफ्ट दे गप्पूड़ी गिफ्ट, दीदी को गिफ्ट क्या देगा तू, गिफ्ट दे गप्पूड़ी गिफ्ट दे, ये लो गिफ्ट दिया इसने, ये दिया मेरे को गिफ्ट। मेरी मम्मी जो है मेरी दीदी को फोन कर रही है, जाने मैसेज कर रही है कि कौन सी हमको राखियां पसंद आई है, उनके बारे में बता रही है। रक्षाबंधन मनाऊंगी, सबको राखी बांधूंगी रोड पे जाके। अभी हम गए थे फोटो शूट पे, बंदर आया और डायरेक्ट उसके छाती यूं ही गया, उसके ऊपर ही कूद गया, लात दे ली उसके। लप्पूड़ी थक गई, पानी पीने लग गई लप्पूड़ी, तो राखी मना ली लप्पूड़ी ने, तभी से पूरे जोश में। खाना क्या बनाया ये भी इनको बताओ, भिंडी की सब्जी और रोटला बनाया, खाने में क्या पूछता है तू। तो राखी तो आपको मैंने दिखा दी दोस्तों, सिर्फ कमी है तो 1 किलो मिठाई के डिब्बे की। नीलू दीदी अगर आप वीडियो देख रही हो तो 1 किलो मिठाई का डब्बा कौन भेजेगा। जी मैं बेंगलोर आ रहा हूँ, आपने मिठाई का डब्बा नहीं भेजा, आ रहे हम डब्बा लेने। तो दोस्तों मेरी मम्मी जो है वो फ्री हो चुकी है मेरी दीदी से बात करके, दीदी बड़ी हंस रही थी जब मैंने बताया उनको राखी का। अब जो सीन आपको मैंने बताया था दोस्तों वो खत्म हो चुका है, हमने अपनी राखियां देख ली है सबने। गप्पूड़ी की तो रियल बहन मैं बनूंगी। मम्मी बांधेगी तुझको राखी? नहीं मम्मी, आपकी राखी नहीं बनाऊंगा, आदरणीय कुलदीप मेरा बहन बन जाएगा। हाँ तो भाई कुलदीप को बनाएगा वो बहन और कुलदीप से राखी बंधवाएगा। और इसके अलावा आप कुलदीप जो है अपने दोस्तों के साथ अभी हैंग आउट पर गया था तो मेरे लिए वो डोसा लाया है, और ये देखे चटोरा, डोसे की थैली खुली नहीं उससे पहले टेबल पर खड़ा हो गया, आइसक्रीम लाई गई है इसके द्वारा। कौन सा फ्लेवर कुलदीप? चॉकलेट। इस आइसक्रीम को दो जन नहीं खा सकते, एक मम्मी
और एक मंगता क्यों, क्योंकि इसकी सेहत के लिए खराब है, मम्मी के डायबिटीज है और बहुत काफी शुगर है इसकी, मम छोड़ दो। तो थाली मैंने लगा ली है एंड डोसा निकाला जा रहा है, चटपटा डोसा सांभर चटनी सब आया है भाई, मैं एक कटोरी कम लाया हूँ। नहीं नहीं भाई साहब आप नीचे बैठो। दोस्तों इसके बाद भिंडी की शाग और रोटी भी है और छाछ भी है, माने आज तो मतलब पार्टी हो गई है। अरे भैया डोसा कितना बड़ा है ये? नहीं हमें छोटा सा किया यार, ऐसे क्या कर रहे हो? मेरे को यही नहीं समझ आता दोस्तों, जितनी चटनी देते ना उसकी तरफ डोसा भी देना चाहिए कि पेट डोसे से भर जाए। मेरी दीदी बता रही थी जो साउथ की तरफ है ना बैंगलोर साइड, वहाँ एक टेबल जितना डोसा मिलता है, तो मैंने बोला कि जिस दिन मैं बैंगलोर जाऊंगा ना सबसे पहले वहीं कूदूंगा डोसे की दुकान पे। तो ये फूड टैक्स गपुड़ी का है, ज्यादा नहीं दे सकते ऑयल वाला है इसलिए इतना दे रहा हूँ गपुड़ी को, ये फूड टैक्स है, मैंने हर खाने में गपुड़ी को थोड़ा सा देना पड़ता है। गपुड़ी दोस्तों को भी खिला, किसी को नहीं खिलाऊंगा, मेरा डोसा है। डोसा भी दीवाना है तेरा। मेरे को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है दोस्तों, और मम्मी खा रही है सिंपल सोवर देसी खाना। तवा चढ़ा दिया गया है, गरम गरम रोटी करके खाते हैं, उसके अलग मजा आता है। दूध से निकाला है घी, एकदम प्योर है, कोई मिलावट नहीं है इसमें किसी प्रकार की। सरस प्यास बुझाए, ताजगी लाए, स्वास्थ्य बनाए। मेरे को पिला चाच। नहीं गट्टू आज तेरे को छाछ दी थी ना थोड़ी सी, दिन में ज्यादा छाछ भी पीना सही नहीं है। चिड़िया नहीं बोल रही, मैं बोल रहा था। आजा 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 आजा। सो भाई आराम से, छो कूलर के अंदर। कुलदीप तूने खाना नहीं खाया क्या? खाना खाने का मन नहीं है ये लो, इसका खाना खाने का मन क्या नहीं है दोस्तों, बाहर से बढ़िया दबा के डोसा खा के आया है बाहर से, इसलिए मन नहीं है। तो दोस्तों मैं उधर से भी इधर आ चुका हूँ मेरे स्टूडियो में, और अभी रात की बज रही है 1:30, मैं 2 बजे तक एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ, फिर जल्दी सुबह उठ जाता हूँ ताकि पूरा मैनेज कर सकूँ। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।